हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू इकोसो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में, में हम लोग स्टडी करने वाले हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन जिसे लॉ वेरिएबल प्रोपोशंस ऐसे भी कहा जाता है इस टॉपिक में हम लोग लॉ वेरिएबल प्रोपोशंस के एजम्पन्स एग्जाम्पल देन डायग्राम न्यूमेरिकल्स ये सारे पॉइंट्स और उसके थ्री फेजेस इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं तो टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है इट शोज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट मतलब कितना इनपुट यूज करने के बाद आउटपुट कितना होगा उनके बीच एग्जैक्ट कैसे रिलेशनशिप है ये हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में इन डिटेल स्टडी करते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोशंस स्टूडेंट्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है नॉर्मली पता है शॉर्ट टर्न मतलब छोटा पीरियड एंड लॉन्ग रन मतलब बहुत बड़ा पीरियड पर इसका एक प्रोडक्शन प्रोसेस पे भी एक अलग इम्पैक्ट होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स में कुछ डिफरेंस किया जाता है पहले देखते हैं हम लोग शॉर्ट रन में क्या डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्न में किसी भी फॉर्म के पास दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स देखो एक बहुत बड़ी कंपनी है और कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड इस एक्स वाइजेड प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है कंपनी क्या करेगी ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना है बट इमीजिएटली प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो फैक्ट्री बिल्डिंग भी चेंज नहीं कर सकती वो नई मशीनरी भी इमीजिएटली इंस्टॉल uh, नहीं कर सकती वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी कुछ ज़्यादा लेबर हायर करेगी उनसे शिफ्ट में काम करवाएगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके तो यहाँ पे देखो क्या कर सकती है सिर्फ लेबर चेंज कर सकते है ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस कर सकती है तो यहाँ पे जो ज्यादा लेबर है ज्यादा रॉ मटेरियल है ये वेरिएबल फैक्टर्स है क्योंकि ये शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं वो बदले जा सकते हैं पर फैक्ट्री बिल्डिंग या फिर जो मशीनरी पे ये वर्कर्स काम कर रहे हैं ये तो हम लोग शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते फैक्ट्री बिल्डिंग में चेंज लाने के लिए कंस्ट्रक्शन नया करना पड़ेगा नई मशीनरी इंस्टॉल करनी है तो वो भी इतना इजी टास्क नहीं है तो ये शॉर्ट रन में कुछ महीनों में चेंज नहीं हो सकता उसके लिए लॉन्ग टर्म की ही ज़रूरत होती है तो ये जो फैक्टर्स है फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरीज इसे हम लोग कहते हैं फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो ये होता है सिर्फ शॉर्ट रन में ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग लॉन्ग रन देखते हैं तो लॉन्ग रन में देखो सारे फैक्टर्स वेरिएबल बन जाते हैं जैसे कि लेबर रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी वेरिएबल है इसी के साथ मशीनरी नई इंस्टॉल कर सकते हैं देन फैक्ट्री बिल्डिंग में भी चेंजेस आ सकते हैं तो लॉन्ग रन में क्या होता है ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल तो इसीलिए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों भी पीरियड के लिए प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग है तो पहले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं देखते ये जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने डेवलप किया था और उनका मेन कंसर्न था बिहेवियर ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एग्रीकल्चर में भी कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं जैसे कि मशीनरीज वगैरह लेबर वेरिएबल है तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होता है वो स्टडी करने के लिए उन्होंने ये थियरी डेवलप की अब देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक पी एस सैम्यूल्सन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू हिम एन इंक्रीज इन सम इनपुट्स रिलेटिव टू अदर फिक्स इनपुट्स देखो एन इंक्रीज इन सम इनपुट्स कुछ इनपुट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं जैसे कि लेबर में इंक्रीज कर रहे हैं रिलेटिव टू अदर फिक्स फैक्टर्स उसकी कंपैरिजन में जो बाकी इनपुट है वो फिक्स है जैसे कि मशीनरी ओके okay, तो उसका क्या होगा देखते हैं विल इन ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है वो कॉन्स्टेंट है कॉज आउटपुट टू इनक्रीज देखो अगर मशीनरी भी हम लोग चेंज नहीं करते सिर्फ लेबर इंक्रीज करते तो भी आउटपुट क्या होगा इंक्रीज ही होगा पर वो कैसे इंक्रीज होगा देखते इनिशियली वो फास्ट रेट से इंक्रीज होगा बट आफ्टर ए पॉइंट एक्स्ट्रा आउटपुट रिजल्टिंग फ्राम द सेम एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इनपुट विल बिकम लेस एंड लेस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब हम लोग एक्स्ट्रा इनपुट और यूज करते जैसे कि और लेबर यूज़ किए और लेबर यूज़ किए तो जो एडिशनल आउटपुट है ना वो कम रेट से इंक्रीज़ होगा इंक्रीज तो होगा वो कम रेट से इंक्रीज होगा फॉर एग्जाम्पल कोई तो एक बी पी ओ फर्म है बी पी ओ यानी कि कॉल सेंटर्स वगैरह तो उसमें मोस्टली जो काम होता है मैं पता है कि कंप्यूटर्स पे काम होता है तो फर्म के लिए अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो वो क्या करेगी सप्लाई बढ़ाएगी सप्लाई बढ़ाने के लिए उनको इमिजिएटली ज्यादा कंप्यूटर परचेस करना पॉसिबल नहीं है ना ही उनके पास ज्यादा डेस्क है ज्यादा बड़ा ऑफिस है उनका तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं कि जो अगर वर्कर्स एक शिफ्ट में काम करते हैं तो वो डबल या ट्रिपल शिफ्ट में वर्कर्स को बुलाएंगे यानी कि ज्यादा वर्कर्स भी हायर करेंगे तो लेबर इंक्रीज होते जाएंगे देखो कंप्यूटर्स का ज्यादा अच्छे से यूज होगा क्योंकि लेबर इंक्रीज हो रहे हैं ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा पर एक सर्टन लेवल के बाद जो एडिशनल इंक्रीज हो रहा है ना आउटपुट का वो कम होता जाता है क्यों कम होता है भाई क्योंकि देखो अभी कम मशीनरी है तो उनकी भी कुछ लिमिटेशन है बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कंप्यूटर ख़राब हो सकते हैं उनमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जिसकी वजह से बाद में आउटपुट कम होता जाता है आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अजम्पशंस ऑफ दिस थियोरी स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एजम्शंस के साथ फर्स्ट एजम्पन इज फिक्स फैक्टर्स हर एक फर्म में हर एक इंडस्ट्री में कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं जैसे एग्रीकल्चर में जमीन है या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरीज फिक्स फैक्टर्स होते हैं वैसे इस थियोरी में हम लोग ने मशीनरी यानी कि कैपिटल एज अ फिक्स फैक्टर अज्यूम किया है देन आता है सेकेंड वेरिएबल फैक्टर्स अगेन वेरिएबल फैक्टर्स इस थियोरी में हम लोग ने अज्यूम किया है वो है लेबर लेबर एक एक अमाउंट से इंक्रीज होता जाएगा एंड कैपिटल आपका फिक्स रहेगा देन होमोजीनियटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि लेबर होमोजीनियस है यानी कि वो दिखने में सेम नहीं है पर उनकी इफ़िशेंसी सेम है वो सबकी जो कार्य क्षमता है वो सेम है देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होता है क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हम लोग ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तब देखते हैं इसमें इस, इस लॉ में हमें तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दी हुई है वो है टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट तो क्या होते हैं देखते हैं टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल वेरिएबल फैक्टर्स इन कॉम्बिनेशन विथ फिक्स फैक्टर यानी कि इनपुट मतलब सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स जब हम लोग फिक्स फैक्टर के साथ यूज करते हैं जैसे कि लेबर एंड कैपिटल अगर हम लोग दोनों एक साथ यूज करते हैं तो उनकी वजह से टोटल जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी देन एवरेज प्रोडक्ट एवरेज का मतलब इकोनॉमिक्स में एक ही होता है पर यूनिट यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हर एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो आएगा एवरेज प्रोडक्ट फॉर्मूला देखते हैं ए पी इज इक्वल टू टी पी यानि कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर देन आता है मार्जिनल प्रोडक्ट मार्जिनल की भी डेफिनेशन में पता है एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्ट यानी कि एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हम लोग ने अगर एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर यूज़ किया यानी कि एक एडिशनल लेबर एम्प्लॉय किया तो उस एडिशनल लेबर की वजह से टोटल आउटपुट में जो भी एडिशन होगा यानी कि जो भी एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं उसमें ए पी एंड एम पी कैसे कैलकुलेट करना है ये भी स्टडी करेंगे एंड लॉ भी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड टोटल प्रोडक्ट का इसका यूज करके हम मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं तो एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो अगर न्यूमेरिकल नहीं है और आपको पूछा जाए एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल तो आपको ये फर्स्ट टू कॉलम्स याद रखने हैं बाकी दो आप सॉल्व कर सकते हो और अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो बाकी दो भी आप बाय हार्ट कर सकते हो तो देखते पहले कैसे सॉल्व करना है एवरेज प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर फर्स्ट यूनिट के लिए देखो टोटल प्रोडक्ट है फाइव टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है वन तो फाइव डिवाइडेड बाय वन आपका आंसर आएगा फाइव एवरेज प्रोडक्ट सेकेंड यूनिट के लिए देखो फोर्टीन डिवाइडेड बाय टू इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करना है फोर्टीन डिवाइडेड बाय टू आपका आंसर आएगा सेवन थर्टी डिवाइडेड बाय थ्री आंसर विल बी टेन फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर न कैलक्यूलेट ऑल दंबर्स अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है सिंपली मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपका होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है या फिर फॉर्मूला समझने से अच्छा हम लोग देखते हैं, कैसे सॉल्व करना है फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट सेम रहेगा यहाँ पे फाइव है यहाँ पे फाइव आएगा देन सेकेंड यूनिट के लिए सिंपली क्या करना है थर्टी माइनस फोर्टीन आंसर इज सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स माइनस थर्टी योर आंसर विल बी ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी फाइव माइनस फिफ्टी सिक्स नाइनटीन सेम वे पूरा कैलकुलेट करते हैं आई होप आपको ये यह यहाँ तक कैसे कैलकुलेट करना है समझा होगा अब यहाँ पे लॉ देखते हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करते जाते हैं इनिशियली टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है बट वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है देखो फाइव से हो गया फोर्टीन इंक्रीज हुआ है नाइन से फोर्टीन से हो गया थर्टीन तो टोटल इंक्रीज हुआ है सिक्सटीन यूनिट से मतलब इंक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज़ हो रहा है फिर थर्टी से हो गया फिफ्टी सिक्स तो टोटल इंक्रीज़ है ट्वेंटी सिक्स का ये इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से फिर इसके बाद देखते हैं फोर्थ यूनिट के बाद फिफ्टी सिक्स से हो गया सेवेंटी फाइव नाइन्टीन से इंक्रीज हुआ सेवेंटी फाइव से हो गया नाइन्टी टोटल इंक्रीज़ है फिफ्टीन यूनिट से नाइन्टी से नाइन्टी एट मतलब एक सर्टन लेवल के बाद जो इंक्रीज़ तो हो रहा है बट वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है कैसे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है एंड देन एक फिर बाद में एक लेवल ऐसे आती है कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया वन नॉट टू एंड फिर इस लेवल के बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया अब देखते हैं यहाँ पे एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है जब देखो इनिशियली आप देख सकते हो कि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से ग्रेटर है और जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से ग्रेटर होता है आप देख सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग फाइव से सेवन सेवन से टेन टेन से फोर्टीन फोर्टीन से फिफ्टीन एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है देन एक सर्टन लेवल के बाद हम लोग देख सकते हैं कि बाद में देखो फिफ्टीन यूनिट्स के बाद अभी अपोजिट सिचुएशन है एवरेज इज ग्रेटर इलेवन मार्जिनल एट फोर जीरो मतलब मार्जिनल कम है एवरेज ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होता है नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के डायग्राम एंड इस टॉपिक से रिलेटेड तीन स्टेजेस इन डिटेल देखेंगे स्टूडेंट्स पहले देखते हैं डायग्राम इस डायग्राम में वाई एक्सिस पे हमने शो किया है आउटपुट एंड एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर अगर आप डायग्राम देखते हो हमारे पास तीन कर्व्स हैं एक है टोटल प्रोडक्ट कर दूसरा है एवरेज प्रोडक्ट कर एंड तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट कर इस डायग्राम में टोटल तीन पार्ट है जीरो टू ए अप टू पॉइंट बी यहाँ तक का जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं फेज़ वन इसके बाद में बी एंड सी के बीच में फेज टू एंड पॉइंट सी के बाद में फेज थ्री ये तीनों फेजेस देखते हैं इन डिटेल फेज वन अप टू पॉइंट ए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट ए फेज जो वन है वो बी पॉइंट तक है बट इसमें भी दो पार्ट है फेज़ वन में फेज वन के पहले पार्ट में अप टू पॉइंट ए अगर आप देखते हो तो ये कर्व का स्लोप एकदम स्टीप है यानी कि आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है वो हर बार ज़्यादा 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 इंक्रीज़ होता जा रहा है और फिर उसके बाद बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी अगर आप कंपेयर करते हो तो स्लोप यहाँ पे स्टीप है यहाँ पे थोड़ा कम स्टीप है यानी कि थोड़ा सा फ्लैट होता जा रहा है तो इसीलिए लिए यहाँ पर क्या है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ तो हो रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है मतलब अगर पहले वो पंद्रह से इंक्रीज हुआ है तो बाद में तेरह से इंक्रीज होगा फिर दस से इंक्रीज होगा ऐसे वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है देन यहाँ पे और एक बात है एम पी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो रहा है बट वो अबाव एम पी है ये जो सेकेंड पार्ट है ए एंड बी के बीच में देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बट फिर भी वो एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर है ओवरऑल अगर आप फेज़ वन देखते हो तो पूरे फेज़ वन में मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा ये वाला आपका ऊपर वाला मार्जिनल प्रोडक्ट कर रहे और नीचे वाला एवरेज प्रोडक्ट कर रहे और ये कब तक है जब तक आपका फेज़ टू स्टार्ट नहीं होता तब तक देन इसे हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्योंकि ओवरऑल अगर देखते हैं इतने से पार्ट में डिक्रीजिंग रिटर्न है बट बहुत बड़े पार्ट में रिटर्न इंक्रीजिंग है एट द सेम टाइम हम लोग देख सकते हैं मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट भी ज़्यादातर इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं इसीलिए स्टेज इस को कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न देन आती है आपके फेज टू यानी कि बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी आप लोग ऑब्जर्व करो बी एंड सी पॉइंट के बीच में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है पर वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है कर्व देखो बहुत हद तक के हाथ पे फ्लैट हो चुका है यानी कि अप टू पॉइंट सी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन डिक्रीजिंग रेट वो डिक्रीजिंग रेट से इनक्रीज हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है बट अब वो एवरेज प्रोडक्ट के नीचे है एम पी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट देखो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली बट एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा है मार्जिनल प्रोडक्ट कम है यानि कि इट इज बिलो एवरेज प्रोडक्ट वो एवरेज प्रोडक्ट के नीचे है देन दिस स्टेज एंडस वेन टोटल प्रोडक्ट इज मैगजिम एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम ज़ीरो स्टेज कब एंड होती है देखते है, देखते है यहाँ पर सी पॉइंट में क्योंकि सी पॉइंट में आपका टोटल प्रोडक्ट मैग्जिम है हाइएस्ट है इसके बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होता है और सी पॉइंट में आप नीचे अगर देखते हो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट कर एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है तो इस पॉइंट में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है ज़ीरो है तो एम पी बिकम जीरोन दिस स्टेज इज कॉल्ड एस स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्योंकि स्टेज में बोथ एपी एंड एम पी दोनों भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं एक भी इंक्रीज नहीं हो रहा है दोनों भी डिक्रीज हो रहे हैं तो याद रखो इसे क्या कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इस फेज टू के ऊपर आपको एक सेपरेट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट स्टेज या फिर लास्ट स्टेज एक्सप्लेन नहीं करनी है ये डायग्राम ड्रॉ करके ये फेज टू का ही एक्सप्लेनेशन आपको इन डिटेल देना है आई होप आपको ये दोनों स्टेजेस अच्छे से समझी होगी नेक्स्ट देखते हैं इसके थर्ड फेज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन इन दिस डायग्राम अब देखते हैं फेज थ्री ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशंस जो स्टार्ट होता है पॉइंट सी से पॉइंट सी से आगे देखो टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूली डिक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस एम पी इज निगेटिव एंड बिलो एक्स एक्सिस स्टेज थ्री में देखो यहाँ पे एम पी यहाँ से नीचे जा रहा है. एक्स एक्सिस के नीचे हमेशा वैल्यू आपकी निगेटिव ही आएगी इसलिए एम पी क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव है वो एक्स एक्सिस के नीचे है देन अतः ए पी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट जो कि पॉजिटिव है बट वो कंटिन्यूली डिक्रीज हो रहा है एवरेज प्रोडक्ट देखो कर्व आपका एक्स एक्सिस के ऊपर इसका मतलब वो पॉजिटिव है पर वो कंटिन्यूली डिक्रीज ही होता जा रहा है ओके okay? तो कंटिन्यूली डिक्रीज होता जा रहा है पर वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट आपका कभी भी जीरो नहीं आएगा तो यहाँ पे आपकी लास्ट स्टेज खत्म हो जाती है देन देखते कि अगर तीन स्टेजेस है तो इसमें से कौन सी स्टेज में फर्म अपना प्रोडक्शन लेना पसंद करेगी तो वो स्टेज है स्टेज नंबर टू जिसे हम लोग कहते हैं इफिशियंट एरिया ऑफ ऑपरेशन जहाँ पे फॉर्म ज्यादा इफिशेंटली काम करती है क्योंकि अगर हम लोग लास्ट स्टेज देखते हैं तो यहाँ पे मार्जिनल रिटर्न निगेटिव है तो कोई भी फॉर्म इसमें काम करना पसंद नहीं करेगी देन फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज में तो रिटर्न इंक्रीज हो रहे हैं मतलब आगे और भी फायदा होने के चांसेस है और इसीलिए वो फर्स्ट स्टेज से ज्यादा प्रीफर करते हैं कि सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन लिया जाए तो सेकेंड स्टेज क्या है ज़्यादा इफिशियंट प्रोडक्शन शो करते है क्योंकि इसी स्टेज में आपका टोटल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाता है देन फॉर्म डू नॉट प्रोड्यूस अप टू पॉइंट सी वेर एम पी जीरो भले सी पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है फिर भी फॉर्म इस पॉइंट पे प्रोडक्शन नहीं करेगी क्योंकि सी पॉइंट में आप देख सकते हो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है और इसीलिए बिटवीन दिस ऑल पोर्शन ऑफ द सेकेंड स्टेज फॉर्म टेक्स द प्रोडक्शन आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक अच्छे से समझा होगा नेक्स्ट देखते हैं कि ये निगेटिव इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न के पीछे क्या रीजन्स है रीजन्स फॉर द इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग एंड निगेटिव मार्जिनल रिटर्न इसमें से फर्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न देखो जैसे कोई फैक्ट्री फर्स्टली स्टार्ट होती है तो उनके पास फैक्ट्री बिल्डिंग बहुत अच्छे से होती है बहुत सारी मशीनरीज वगैरह होती है तो फिक्स फैक्टर तो बहुत ज्यादा होते हैं बट लेबर वो तब भी ज़्यादा हायर करेंगे जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो क्या करेंगे आहिस्ता आहिस्ता लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से फिक्स फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ होगा सोचो दस बारह मशीनरीज है और दो चार ही वर्कर्स है तो पूरा का पूरा फिक्स फैक्टर यूज़ नहीं हो रहा है जैसे लेबर हायर करते जाएंगे मशीनरीज यानी कि फिक्स फैक्टर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ होगा और उस वजह से हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब भी एम्प्लॉय होगा मतलब लेबर के जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे टोटल प्रोडक्ट जो है टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता जाएगा इसीलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न है देन डिमिनिशिंग रिटर्न अब आ गए हम लोग सेकेंड स्टेज में स्पेसिफिकली यहाँ पे देखो एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट लेस आउटपुट बिकॉज एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हैथ यहाँ पे क्या हो रहा है अभी हम लोग ने इतने ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय कर लिए फिक्स फैक्टर्स तो उतने ही है हम लोग लेबर बढ़ाते ही जा रहे हैं बढ़ाते ही जा रहे हैं इम्पैक्ट क्या हुआ कि फिक्स फैक्टर कम पड़ गए लेबर कुछ ज़्यादा ही हो गए क्या हो गया देखो फिक्स फैक्टर्स कम पड़ गए लेबर कुछ ज़्यादा ही हो गए तो ऐसे समय में लेबर की वजह से आउटपुट में जो इंक्रीज होगा वो कम कम होता जाएगा क्योंकि फिक्स फैक्टर अभी मैक्सिमम यहाँ पे यूज हो रहा है तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्नस मतलब यहाँ पे देखो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये कभी नहीं होता कि आउटपुट डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है जैसे पहले आउटपुट इंक्रीज हो गया 150 यूनिट से और एक लेबर एम्प्लॉय कर लिया आउटपुट इंक्रीज हो गया 130 यूनिट से और एक लेबर एम्प्लॉय कर लिया आउटपुट इंक्रीज हो गया 105 यूनिट से तो इसे कहते हैं आउटपुट इनक्रीज तो हो रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है इसीलिए स्टेज को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न देन निगेटिव रिटर्न निगेटिव रिटर्न मीन्स अभी देखो फिक्स फैक्टर तो उतना ही है और वेरिएबल फैक्टर फिर भी हम लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं तो लेबर्स बहुत ज्यादा मशीनरीज कम है तो क्या होगा लेबर ऐसे ही टाइम पास करेंगे चलो मशीन नहीं खाली है तो एक दूसरे से गप्पे लड़ाएंगे इम्पैक्ट क्या होगा आउटपुट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा जो लेबर पहले अच्छे से काम कर रहे हैं वो भी अभी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मशीनरीज ही कम है वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर बहुत ज़्यादा है तो इस स्टेज में जो टोटल आउटपुट है वो एक्चुअली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा अगर टोटल आउटपुट इस स्टेज तक है वन नॉट टू यूनिट्स या फिर हम लोग देखते हैं वन नॉट वन थाउजेंड ट्वेंटी यूनिट्स तो वो वन थाउजेंड ट्वेंटी से वन थाउजेंड हो सकता है वन थाउजेंड से नाइन नाइनटी हो सकता है वो डिक्रीज होता जाता है तो इसे कहा है निगेटिव रिटर्न निगेटिव रिटर्न क्यों कहा है क्योंकि डिक्रीज भी होता जा रहा है और इस स्टेज में इफ़ यू रिमेंबर मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होता है एम पी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे जाता है आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट अस इन टू द कमेंट सेक्शन अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और फिर भी आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन पे प्रेस कीजिए क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने इकोसो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू इकोस एंड प्रेस द बेल आइकन तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी ऑल्सो फॉलोअर्स ऑन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक थैंक यू एंड टेक केयर तो आज की इस वीडियो में शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये तो हम लोग कवर करने वाले है ही और इसका नेक्स्ट वीडियो होगा यार खूब छान आ